हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y12G एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको नीचे की साइड ये है ना तीसरा ऑप्शन, ये देखिए पहले से आपका सिलेक्टेड होगा। तीसरे ऑप्शन पे डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ऑफ है, ठीक है। अभी सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको है ना डू नॉट डिस्प्ले के ऊपर आपको ये डॉट और नंबर के दो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर वाले, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, यानी कि इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसे इनेबल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका नोटिफिकेशन जिस ऐप का होता है उस ऐप के ऊपर आपको डॉट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये देखिए इस वाले ऐप के ऊपर अभी जो है डॉट नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। मैं इसे जो है नंबर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारी सेटिंग इनेबल हो चुकी है। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी। आपके मोबाइल फोन में कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना तो जिस ऐप का नोटिफिकेशन होगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा, और ये देखिए इस वाले ऐप के ऊपर पहले डॉट नहीं था, अब यहाँ पर ये जो है इस ऐप के ऊपर डॉट लगा हुआ है रेड कलर का, उसमें नो भी लिखा हुआ है क्योंकि मेरे इस ऐप के नो नोटिफिकेशन मेरे को आ रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ऐसे काम करती है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।